आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमीट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है और दिए गए सवाल को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इसके लिए जो सवाल है उसमें जो इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन कैसी होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो ए बी और कॉन्स्टेंट है ये हो सकते हैं 1, 2, 3 भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमने सवाल देखा तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, उसके बाद सिंगल वेरिएबल एक्स है और उसके बाद ए स्क्वेयर नेगेटिव बी स्क्वेयर जो है ये कांस्टेंट है। तो अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर के मुताबिक चलना है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट होता है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और शिफ्टिंग के दौरान इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वेयर का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, अब हमने क्या करना है कि जो सिंगल वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट उठाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो यहां पे एक्स के साथ 2a है तो हम 2a को उठाएंगे और इस 2a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ऑफ कोर्स 2a/2 आएगा और 2 आपस में कैंसिल होकर हमें a देंगे। तो a को हमने क्या करना है, हमने a का होल स्क्वायर लेना है और उस होल स्क्वायर को हमने इसी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड दोनों में जाके ऐड कर देना है। इस एडिशन के बाद जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे एक होल स्क्वायर बनेगा और राइट साइड पे भी जो सिंप्लीफिकेशन होगी उसके नतीजे में हमें बी स्क्वायर मिला। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेना है। तो लेफ्ट साइड पे जो अंडर रूट है वो इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा और जो राइट साइड पर अंडर रूट है इसके साथ हमने प्लस और नेगेटिव लिखना है, ताकि हम एक्स की दो वैल्यूज़ एक प्लस के प्रोसेस से और एक के प्रोसेस से हासिल कर सके। तो अब एक्स नेगेटिव ए है तो हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू लेनी है, तो नेगेटिव ए शिफ्ट होगा राइट साइड पे और वो एक दफा प्लस होगा बी के साथ और एक दफा नेगेटिव होगा। तो यही ए प्लस बी और ए नेगेटिव बी हमारा आंसर है